अरे हो जाएगा, करो ना फिर कर। अरे फेंक देगी हाँ। और वैसे हमारा यो आलू बम फोड़ दो, हम नहीं रहेंगे, हमको सबसे फेंकिए ना जी। ए जी फेंक दिया, चुप कैलेंडर में कल दिख रहा है लेकिन इधर सब आज सेलिब्रेट कर रहा है, तो मेरे तरफ से और मेरे फैमिली की तरफ से हैप्पी दिवाली और अच्छे से सेलिब्रेट करिए। आज के दिन हमारे श्री राम प्रभु अपने घर वापस आए थे अयोध्या, तो उसकी खुशी में। और गाइस मेरे घर में क्या हो रहा है ना कि दिवाली और छठ थोड़ा सा ये हो गया, मतलब घर में नहीं होगा, मतलब किसी को देंगे छठ पूजा, किसी और को मनिहारी देंगे मम्मी उधर से होगा, और दिवाली में तो कर ही सकते हैं ना हम लोग। वैसे छठ का वीडियो तो बनाया है और हम लोग अच्छा अभी देख रहे हैं क्या करना है छठ पे। हम लोग घर पे नहीं होता ना, मजा नहीं आता, ठीक है। और इस टाइम में घर पे होना चाहिए था, पता नहीं मतलब पेंट उंट होता है, ये सब तो होगा ही, पर होगा कल परसों पूजा नहीं होगा, मतलब पूजा अपना घर में रहता है उसका मजा कुछ और रहता है, और नहीं होगा तो थोड़ा मोड़ा ऐसे होगा कि चलो कुछ नहीं हो रहा, ऐसे सिंपल सा लगेगा, तो कोई बात नहीं, छठ तो मनेगा ही। और ये माहौल में बहुत मजा आता है गाइस, और छठ का जो गाना रहता है वो तो और दिल छू जाता है वो छठ का गाना में। और अभी हम लोग नहा सुना के रेडी हो गए हैं, अभी मतलब शाम का टाइम है और सुबह से हम लोग का थोड़ा सा तबीयत बहुत ही खराब चल रहा है, अजीब लग रहा है। सभी किचन रूम में आए हैं और अभी तो कुछ मम्मी बोले कि अभी स्वादिष्ट या मतलब कुछ अच्छा खाना नहीं बन पाएगा, क्योंकि जो आप लोग बोले हैं उतना अच्छा से इस बार नहीं हो पाएगा हम लोग का घर में, बहुत ही खराब लग रहा है, पर जैसा हो रहा है वैसे मनाते, पर फटाका वटाका सब कुछ फोड़ पाएंगे इतना तो है, चलो कुछ तो अच्छा सी चीज़ मतलब घर में मनाने के लिए मिल गया, और देखते हैं क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, हमको तो बहुत अजीब लग रहा है। अभी देखते हैं सिंपल सा खाना मम्मी बोली बनाने के लिए कि कुछ अच्छा इतना जो भी होता है वो सब कुछ मत बनाए, सिंपल जो होगा वही बना के रख देना, और देखते हैं अभी तो बनाना स्टार्ट नहीं किया क्योंकि तीरों को भेजा है बाजार और जो कमी है वो मंगा रहे हैं। अभी मेरा बाल का हालत देख सकते हो, सोचे कि ना आएंगे ना तो बाल मेरा ठीक हो जाएगा, पर नहीं, मतलब तो बाल एकदम मेरा बहुत ही मतलब सिल्की अच्छा है, पर ये क्या है ना कि टेढ़ा हो जाता है, हमको ये चीज़ बहुत ही मतलब ऐसा होता है ना कि आप लोग मेरा वीडियो में देख सकते हो कि बाल एकदम टेढ़ा मेरा रहता है सामने से, इतना अच्छा लगता है वीडियो में कि हमको सोचते हैं कि मेरा बाल ना करवाएँ ऐसा, तो स्ट्रेट करवाने में भी अच्छा है, नहीं करवाने में भी अच्छा है मेरा, ठीक है आप नहीं करवाएंगे स्ट्रेट क्योंकि दो बार हो चुका है और दो बार मेरा खराब हो चुका है, तो आप कुछ नहीं करवाएंगे, और अभी कुछ किए हैं नहीं, अभी फटाका उटाका सब आएगा उसके बाद जाएंगे छत पे, पहले तो खाना वाना बना लेते जो हो रहा है काम वो करते हैं। अभी आए थे पैर है और झाड़ू रू मारे क्योंकि इस घर में पहले झाड़ू मार के किचन जो मतलब गैस होता था उसको पोछ उछ के ही खाना भी बनाना है, तो ये अभी किए हैं। और मेरा जो हस्बैंड है उनका पता नहीं क्या हुआ है जो वो जाके सोए हुए हैं, बोलने की सुबह से मेरा हम लोग का तबीयत थोड़ा सा अजीब लग रहा है, और मेरा जो हस्बैंड बोलता है कि मेरा हर टाइम तबीयत तो पता नहीं क्यों ऐसे, मेरा माथा में दर्द इतना रहता ना कि कुछ कहने लायक नहीं, मतलब कुछ कह ही नहीं सकते हैं, और कल इतना ज़्यादा काम है ना जो कल के बारे में हम सोच रहे हैं कि कल कैसे करें नहीं करें, वो बेसिन हमसे काम ना होता नहीं है पर हमको करना पड़ता है, तो करना पड़ता है तो करना ही पड़ेगा और क्या ही बोले। चलिए अभी जाते हैं और देखते हैं अभी क्या क्या काम है वो करते हैं, उसके बाद आप लोग से मिलते हैं। और आज के दिन बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि आज है दीपावली, और आप लोगों को पता है आप लोगों घर में बहुत ही अच्छा होगा, और थोड़ा सा मैं हम लोग का मतलब हर टाइम अगला साल भी बहुत ही मस्त हुआ था, जाते हैं वैसे बोलेंगे नहीं तो हम मेरा टाइम इधर चल जाएगा, तो सोचे कि चलो आप लोग के संग बात कर लेते हैं, और ये तो मेरा मन नहीं कर रहा था कुछ करने का, सोचे अभी कुछ है ही नहीं करने का, जो काम रहा वो करके हम हट गए,
तो चलिए अभी अभी जो है वो किचन में क्या बनाना नहीं बनाना वो सोचते हैं और वही बनाते हैं, उसके बाद आप लोग से मिलते हैं। तो अभी हम मेकअप वेकअप हो रहा है क्योंकि खाना बनाने में बिजी थे और उधर से बहुत सारा काम था, इसीलिए थोड़ा सा मैं लेट हो गया, पर कोई बात नहीं, रात भर तो होते रहेगा, फटाफट फटते रहेगा। और हमको वीडियो भी शूट थोड़ा हमारा करना है, गाना वाना खोज के इतना सुंदर सुंदर गाना रखे ना, सोचते थे कि कब रेडी हो, तभी रेडी हो रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक मेरे हस्बैंड भी रेडी हुए देख सकते हो। और ये क्या ही बोले कि हम ऐसे ही फटाफट का फोड़ लेंगे, हमको क्या तुम्हारा वीडियो जो शूट हो जाएगा अच्छा से, हम बोले हम आपको साथ में रखेंगे। और कितना अच्छा ग्रीन शर्ट ये भी पहने हैं, ग्रीन साड़ी हम भी पहने हैं। तो ज्यादा फटाफट तैयार हो जाओ, एकदम सिंपल मेकअप कर रहे हैं हम, उतना बेसिक करते हैं नहीं। मेकअप वही होता है कि मेकअप जब कुछ अच्छा सा हमको वीडियो शूट करना पड़ता है तो मेकअप भी अच्छा लगाते हैं, मतलब जाते हैं जहाँ आप लोग देखते होंगे सेम। तो आओ जो ये वाला मेकअप लगा था तो कमेंट करके बताइए कैसा मेकअप लगा था, जो छठ पूजा का जो शूट हुआ था उसमें कैसा मेकअप था, अच्छा था या ख़राब था, मतलब कमेंट कर दीजिएगा। तो अभी चलिए सिंपल में मेकअप हो गया, अभी सिर्फ काजल उजल करेंगे और निकलेंगे, क्योंकि इतना सारा फटाका सा है फोड़ेंगे। वैसे तो ये जो इस सब बम है ना, इसको क्या क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, और हमको इस सबसे बहुत डर लगता है, जो सिंपल में जो हम फोड़ पाएंगे वही फोड़ेंगे, नहीं तो नहीं बेसी उड़ेंगे, क्योंकि अब जाते हैं वीडियो बनाएंगे। ये सब मेरा हस्बैंड ही फोड़ पाएंगे, हमको इस सबसे डर लगता है, इसको फोड़ने के बाद हम ना उड़ जाए फोड़ते। चलिए हो गया है, चलिए अब मेकअप पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, कंप्लीट तो हो गया, थोड़ा मोड़ा करना है लिपस्टिक काजल जो हुए। तो गाइस घर के बाहर का नज़ारा ये मेरा कुछ ऐसा है, और अभी चांदनी लोग रेडी हो रही है, वो मतलब अभी हम लोग धूम मचाएंगे, मतलब पटाखे फोड़ेंगे, और थोड़ा लाइट वाइट लगवा दिए इसलिए कि थोड़ा अच्छा लगे, और दिया जलाए अभी वो जलाने की तैयारी कर रही है। चलिए तो मैं दिखाता हूँ कि चांदनी आखिर कर क्या रही है। तैयार नहीं हुई अभी तक तुम? हम रेडी हैं बाबा, जल्दी करो, हम रेडी हैं। पटाखा फोड़ेगा क्या तुम? हाँ, मुस्कुरा के बोलो थोड़ा सा, दांत साफ करो पहले। आए थे क्या तुम? बोले इतना सारा पटाखा लेके आए थे, बता देते, भूल गए। तो घी लेने में क्या था? अभी आपको भेजेंगे। नहीं नहीं, बार बार दुकान जाना ये गलत बात है। बाहर का तो मौसम बहुत ही अच्छा लग रहा है पूरा, अभी लाइट वाइट सब लगाए हैं, क्योंकि कंफर्म नहीं था हम लोग का कि दिवाली भी दिया हुआ बाहर सकते हैं, क्यों मम्मी बोला कि मतलब नहीं ऐसा लग रहा था पहले कि छठियारी होगा तो भरेगा, क्योंकि गोतिया में किसी को घर में लक्ष्मी आई है इसीलिए, और आज है लक्ष्मी पूजा। वैसे तो दिया नहीं बांधना चाहिए था, मम्मी बोली कि मतलब ऐसी सिंपल में लक्ष्मी पूजा है ना मम्मी, आज काली पूजा भी है कोलकाता में, काली पूजा होगा हो रहा है, बहुत सुंदर पंडाल बना, क्योंकि कोलकाता का तो नाम ही काली पूजा ही है। काली पूजा काली पूजा हाँ, कोलकाता में तो काली पूजा मनाया है, काली पूजा मेरे यहाँ कल लगेगा मेला, मतलब मेरे यहाँ नहीं पास वाले गांव में, हाँ हाँ कल विसर्जन है, बोले ना मेरे गांव में हर एक त्योहार मनाया जाता है छोटा से लेकर बड़ा तक, दिवाली तो सबके लिए है, पड़ाका दिया तो सब कोई बार सकता है, उसमें क्या है। सुबह बड़ा अजीब लग रहा था, अभी सबका सुबह से ही फटाका इधर फूट रहा है। यहाँ पे जो पोस्टर था है उसको घर में चिपका दीजिए, ठीक है? पोस्टर तुम ये काम करो ना, पहले दिया जलो लो, पहले ये काम खत्म कीजिए, उसके बाद आपको एक ठो और काम दिया जाएगा। ए भाई लाइटर नहीं, तो वीडियो बनने का तैयारी फुल हो चुका है इधर, चलिए और एक तैयारी बचा हुआ है दिया बारने का, अब आराम से बारेंगे दिया।
वाह, देख सकते हैं माचिस से सब आरते हैं, लेकिन मेरी भाभी कमाल की है, वो लेटर से बात की। बहुत ही हवा है, वो हवा में नहीं बोते हुए, लाइटर बहुत गंदा है। नहीं गंदा ना, बहुत अच्छा लाइटर है, कहाँ से लाए हैं? क्या बुझा रहा है इसको, थोड़ा सा और ऊपर कर देना चाहिए। चलो चलो जल्दी, कौन सा वीडियो बनाने वाले? कोरे कोरे सपने मेरे बरसों से थे कितने, बरसों से थे कितने उधार अधूरे। ओहो, लाइट लगता है तो माहौल बनता है और पटाखा फूटता है तो धमाका होता है ना। इसको रहने देना, वो अपना जगह ले लेगा। तो हम एकदम सिंपल में रेडी हो गए बस, कि चलो दो तीन गोडियंस बनाएंगे। भैया उसको थोड़ा सा टानिए लो, पटाखा फोड़ेंगे, पटाखा माने हम वैसे तो फोड़ते हैं नहीं। चलिए न, एक पटाखा पर फोड़ेंगे हम, नहीं बाप फेंक देंगे पटाख। ए मम्मी आप ही फूट जाइएगा। खाली लाइटर बार बार ले, खाली लाइटर बार। यहाँ बड़ी छत पे सब धमाल कर रहा है, नीचे में बुतरू लोग धमाल कर रहा है, नीचे में बुतरू भी है। अरे तो पड़ा, ए बाबू ठीक से देखो क्या, कौन सा फटाका फटाका की बम है। ए मम्मी बाप रे बाप, ये फूट गया, धुमा हुआ धुमा। डाबलर है लाइटर वाले में, देख मम्मी बम हो रहा, फट फटाफट फट फटाफट। ये कौन सा है फटाका, कौन सा है? जलेगा तब पता चलेगा। ये भी फूटता है? करे मारिएगा, पता नहीं सब फटाका फोड़ रहे और इधर ही बहुत करता है। लेकिन आप फोड़े हैं, आप इतना शांति में क्यों फोड़ते हैं? किसी पे फोड़ना चाहते हैं क्या? किसी का मूड ही पे सब हो जाता है। पर अच्छे लग रहे हैं आज, बहुत अच्छे लगते हैं। तुम नोटिस नहीं करती हो? हम नोटिस करती हैं। और यहाँ पे मम्मी ये बाप रे बड़को फोड़ देंगे। चल ले लेना, नहीं तो फोड़ दे आज। हाँ ए इधर नहीं रखे, किसी का पैर में लगे जड़ जाए। ये कौन सा है? इसको जलाने दो, हम फेंक दे। ए बैठ के मत जड़ी प्लीज, बाप रे बाप फटते। तो अभी पता नहीं कौन सा है यहाँ से, ये वाइट वाला लिए अब इसका भाग्य जी। ये वाह किसके पे फूटेगा? हाँ नहीं फूटे मैं तो, हम जड़ जाएंगे खुद ही। तो वहाँ पे अभी सब कुछ अभी फटाका ही फटाका हर जगह क्या। अच्छा नानी, नानी देख सकते हो जला रहे हैं, पर नानी को डर नहीं लग रहा है। ए मम्मी आ जाइए ना, ए मम्मी, ए जी देखिए ना, ये फूटा फटाका फोड़ने में कैसा मजा लग रहा है आ? तो अपना YouTube फैमिली को भी बोल दीजिए कि आप लोग की तरफ से और मेरे फैमिली की तरफ से हैप्पी दिवाली गाइस। और आज बहुत ही मजा आ रहा है और मेरा गांव पूरा जगमगा रहा है, इससे ज्यादा क्या चाहिए। और वैसे हमारा आलू बम फोड़ दो, हम नहीं रहेंगे, हमको सबसे फेंकिए ना जी। ए जी फेंक दिया, चुप आप देरी से क्यों फोड़ते हैं?
सर हम मेरे को फटाका फोड़े जो हम उसमें छटपटा गए इसलिए आपको डर लग रहा है अभी तुमको भी डर लगता है हम तो ऐसे रेडी हुए थे सोचे कि चलो दीपावली में थोड़ा सा सज धज के वीडियो रील्स बना लेते फटाका तो छुटछुड़ी हो जाएगा मेरा दीपावली बन जाएगा क्योंकि हमको फटाका फोड़े ना भाग नहीं पाए सोचिए उसमें हमको कुछ हो जाएगा ना नहीं होता ना हम है ना हाँ इतना उड़ करके ना नानी डाली ना मम्मी डाली ले लाया ऐसे करके चलो तुम भी फोड़ो एगो ना हम नहीं करते एगो फोड़ के देखो ना एक फोड़े बाबा अरे एक ये बड़ा वाला प्लीज 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 मेरे तरफ से नहीं फोड़ेगी मेरा हाथ फट गया तो हम क्या करेंगे अच्छा ये छोड़ो ये ज्यादा अच्छा जलता है देरी तक इसको फोड़ो चलो मम्मी जलाओ तो हमको कुछ हुआ हाँ तो हम जिम्मेदारी लेते हैं ये अच्छा है ना गाइस इसमें से ना दो आया थी दोनों बहुत खराब निकला और पता नहीं अब ये जलेगा जलेगा तीसरा चलो ये जा रोड पे मम्मी ए जलाओ लेटर पे जलाओ तो वो फोड़ तो ले गया ना लेटर वाले का ना हम अपने से खुद लेटर वाले से बांटेंगे खुद जलाएगी हाँ। कहाँ है लेटर तुम्हारे पास वहाँ जलाओ नीचे रोड पे फेंक देना अरे हो जाएगा करो ना फिर कर अरे फेंक देगी हाँ हाँ अरे करो ना अरे कर देगी अरे थोड़ा सा जलेगा फेंक देना करो 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 अरे करो ना खाली नीचे फेंक देना मम्मी खाली लाइटर मारते रहे अरे जलाओ ना जल्दी नहीं ना पड़ेगा नहीं कम से कम 7 सेकंड लगता है फूट जाएगा और फोड़ेगे डर खत्म कर दिए ना कैसा कैसा पटाखा लेके आ रहे हैं आप लोग इतना बड़का का पटाखा कहां से मिल जाता है यहां पे पैसा पे सब कुछ मिलता है अरे ऐसा बड़ा पटाखा हम फोड़े नहीं तो आप मेरे मेहमान चल ये वाला फोड़ थैंक यू सो मच ये आपकी वजह से पटाखा फोड़ पाए चांदनी आरजे के बीवी देख तोर पड़ा का फोटो रखी तो गाइस अभी पूरा गांव का माहौल शांत है और मैं अभी 3 बजे शूट कर रहा हूँ मुझे नींद नहीं आ रहा था इसलिए सोचा थोड़ा जाता हूँ छत पे और जिधर देखो लाइट वगैरह मज़ा आता दिवाली में भाई फैमिली के साथ मनाना और क्या हम लोग ने प्लान करा था कि कहीं घूमने जाएंगे लेकिन अभी छठ है दिवाली तो ख़त्म हो गया तो चलिए आप लोग ने भी इंजॉय करा होगा हमारे तरफ आज ही था और लेकिन कैलेंडर में कल है लेकिन इधर सब आज ही मना रहे थे तो जैसा गांव में होगा भाई वैसा ही करना पड़ेगा ठीक है तो हम लोग ने प्लान करा है हाँ कहीं ट्रिप करने का तो वो छठ के बाद ही होगा छठ मेरे घर में इस बार नहीं हो रहा है कोई नहीं मनियारी देगी मम्मी किसी और को देखते हैं अभी क्या करना है नहीं करना मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि घर में छठ होता है तो मज़ा आता है गाइस अच्छा लगता है माहौल पूरा एकदम छठ वाला थोड़ा मिस करूँगा इसमें मतलब इस बार देखते हैं अभी कहाँ मनाएंगे क्या करेंगे तो आई होप कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा कमेंट करके बताइए कि आप लोग ने भी कैसे सेलिब्रेट किया
तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय, मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में।